गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू वीडियो। थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है एक फेस वॉश से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। तो चलिए बिना किसी डिले के अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज जिस फेस वॉश के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ये वाओ का उपटन फेस वॉश। नाउ उपटन से ही हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि उपटन फेस वॉश है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर उपटन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर होनी चाहिए और वो इसके अंदर है भी। लेकिन उस पे जाने से पहले हम पहले इसकी प्राइस, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ml और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 249 rupees। बट ऑब्वियसली आपको इससे कम में नायका पे, पर्पल पे, फ्लिपकार्ट पे या इनकी खुद की वेबसाइट पे, वाओ की वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में। अब देख लेते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या है। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो उपटन से ही रिलेटेड है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जैसे कि चिकपी फ्लोर यानी बेसन का आटा, टर्मरिक यानी हल्दी, सेफ्रॉन यानी कि केसर, आलमंड एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर एंड सैंडलवुड ऑयल। तो ये सारे ही इंग्रेडिएंट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो उपटन की अगर यहाँ पर बात करें तो उपटन बेसिकली क्या करता है, अगर हम इस फेस वॉश को यहाँ से हटा के अगर नॉर्मली बात करते हैं तो उपटन से जब हम अपनी स्किन को क्लीन करते हैं, जब हम उपटन लगाते हैं तो हमारी स्किन से गंदगी को निकाल लेता है, पूरी गंदगी को खींच लेता है, हमारी स्किन जो है वो ब्राइटन एंड ग्लो अप लगती है। तो सेम थिंग इस फेस वॉश के साथ भी है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बारे में मेरा रिव्यू क्या है, लेकिन उससे पहले हम इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में और देख लेते हैं। तो आई विल शो यू, ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा सा वाइट है इसके अंदर, आप आई गेस आपको दिख रहा होगा। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जेल फॉर्म में है, ट्रांसपेरेंट है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और इसकी स्मेल की अगर बात करें तो इसकी स्मेल है ना वो कुछ गुलाब जैसी स्मेल है, मतलब प्योर नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की इसमें स्मेल आती है, जो कि आपको लगेगा कि आप जैसे कुछ गुलाब का ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, रोज प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस, काफ़ी सूदिंग फ्रेग्रेंस है। तो ये तो हो गया कंसिस्टेंसी डिस्क्रिप्शन के बारे में। अब देख लेते हैं इसका रिव्यू, जो कि मैंने इसे जब यूज़ किया तो मैंने मतलब क्या फील किया, क्या अच्छा है, क्या बेकार है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। तो सबसे पहले तो ये आप जब इससे फेस को वॉश करते हैं तो सबसे पहला काम ये काफ़ी अच्छे से जो करता है वो है आपके फेस की टैनिंग को रिमूव करना। आपको ये खुद से फील होगा कि आपके फेस की टैनिंग रिमूव होती है। तो अगर आपको सन से बहुत ज़्यादा टैनिंग रहती है और अगर आपकी नेक के अराउंड भी टैनिंग है तो आप इस फेस वॉश को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, इट्स वेरी 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 गुड फॉर दैट। और इसके साथ साथ ये आपकी स्किन से डर्ट को रिमूव करता है, आपकी स्किन को इन्वायरमेंटल डैमेज से भी बचाता है, क्योंकि इसमें रोज़ है, इसके अंदर आपके आलमंड एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई है, टर्मरिक है। तो ये आपकी स्किन पे यू नो पिंपल होने से या फिर आपकी स्किन पे किसी तरह का इन्फेक्शन होने से भी आपकी स्किन को एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। आप जब इससे अपने फेस को वॉश करते हैं तो आपको अपना फेस ड्राई फील नहीं होता है, तो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एंड वन मोर थिंग आई विल लाइक टू से कि ये आपकी कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो इसलिए है बिकॉज जब आप उपटन, जैसे कि मैंने आपको बताया था उपटन का काम होता है हमारे फेस से गंदगी को निकालना, तो ये भी कुछ उसी तरीके से काम करता है। तो जब आपके फेस से जो एक यू नो डेड स्किन की या फिर आपकी जो पॉल्यूशन की जो लेयर होती है वो रिमूव होती है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो आपको क्लियर और ब्राइट दिखता है, तो ये यहाँ पे उस चीज़ को क्लेम करता है। इसी के साथ साथ ये आपके ब्लेमिशेस पे या उस पर इस तरीके से काम इतना अच्छे से नहीं करता है, बिकॉज मैंने इसे ऑलमोस्ट 15 डेज यूज़ किया था, तो आई गेस मैं अगर इसे कंटिन्यू करती तो ये उस पर काम करता, बट 15 दिनों में मुझे ऐसा कुछ खास ब्लेमिशेस वगैरह पे दिखा नहीं। बट या अगर टैनिंग के हिसाब से अगर आपको कोई फेस वॉश चाहिए जो आपकी स्किन की टैनिंग को रिमूव कर सके, आपके फेस से यू नो टैन हटा सके, तो आप डेफिनेटली इस फेस वॉश को ट्राई दे सकते हैं, इट्स अ रियली गुड फेस वॉश। और ये सारी स्किन टाइप के लिए है, इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए, तो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, इवन ड्राई स्किन वाले भी, क्योंकि इसके अंदर आलमंड एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई है, तो ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है। तो कोई से भी स्किन टाइप वाले इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। तो आई विल डेफिनेटली गिव थम्स अप और मैं आपसे बोलूँगी कि आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी अच्छा फेस वॉश है ये, तो आप एक बार इसे ट्राई करके चांस ज़रूर दे सकते हैं।
तो ये तो हो गया फेस वॉश का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है जिसको आपको क्लैरिफाई करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ।